जब चुनाव हो रहे थे, बीजेपी दावा कर रही थी, खासकर अमित शाह जी की 200 से ज्यादा सीटें आएंगी। नतीजा बिल्कुल उल्टा है। चुनावी हिंसा जब हुई बंगाल में, केंद्रीय सुरक्षा बलों ने गोली चलाकर 6 लोगों को मारने का काम किया। ममता जी ने अमित शाह जी का इस्तीफा मांगा था। तब अमित शाह जी कह रहे थे कि मैं उनके मांगने से इस्तीफा नहीं दूंगा, जनता मांगे तो इस्तीफा दे दूंगा। चुनाव लोकतंत्र में रेफरेंडम होता है। इतनी बड़ी हार, इसका मतलब है कि आपसे लोग इस्तीफा मांग रहे हैं। अमित शाह जी इस्तीफा कब देंगे, ये देश जानना चाहता है।